कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में एक अनोखे तरीके से विवाह संपन्न हुआ। शादी होने तो बड़े भाई से थी, लेकिन हालातों ने ऐसी पलटी मारी कि छोटे भाई को दुल्हा बनना पड़ा। कहानी जरा फिल्मी है, पर सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल दूल्हा बनकर सुरेश प्रसाद दास शादी रचाने के लिए गया था, लेकिन शादी से कुछ देर पहले जब लड़की पक्ष को ये पता चला कि लड़का पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है, तो लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। झूठ बोलकर पहले से विवाहित लड़के से शादी के बाद गांव में आग की तरह फैल गई। आक्रोशित परिजनों और गांव के लोगों ने पिता और दूल्हे को बंधक बना लिया। वहीं हालातों को देखते हुए सुरेश प्रसाद दास के छोटे भाई नरेश प्रसाद दास ने पिता की प्रतिष्ठा बचाने का हवाला देते हुए हाथों में मेहंदी रचाए बैठी दुल्हन से शादी करने का फैसला किया। मामला है कि हम बड़े लड़के के साथ में यहाँ गोविंदपुर में शादी किए थे, शादी के बाद तय किए थे, जिसमें ये लोग आने की दुविधा के कारण आने की उनको अनफिट कर दिए जी। और वो बोले कि जब अनफिट हो ही गया तो ऐसा करते हैं, आपका छोटा लड़का है उसके साथ शादी करवा दीजिए, तो इज्जत प्रतिष्ठा बची रहेगी। हम इस पर खुश हैं, हमारा लड़का भी खुश है, और हम इज्जत प्रतिष्ठा के सम्मान देते हुए इस बच्चा के इसके साथ शादी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका बेटा, छोटा बेटा जिससे शादी? नरेश कुमार दास। पहले जो जिसका शादी करवा, उसका नाम सुरेश कुमार दास, उसकी पहले शादी हो चुकी है जी। वहीं पंचायत की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद धूमधाम से शादी रचाई गई। राम जी शर्मा के यहाँ गोविंदपुर में एक लड़की का शादी आज के डेट में होना था, लेकिन लड़की वालों को पता चला कि जिस लड़के से शादी लगा था वो लड़का पुरुष से शादीशुदा था जी। जिस कारण वो शादी नहीं हो पाई, और वहाँ से लड़का का पिता नरेश दास जी यहाँ आए, उनका छोटा लड़का उसके साथ आए, नरेश दास आए, उनका पिताजी का नाम है अमिकलाल दास, जो इस्लामपुर कटिहार से आए। उनका राजा मंदी हुआ कि चलो भाई, बड़ा लड़का का तो शादीशुदा था, किसी कारण से लोग को जानकारी नहीं होने कारण शादी रुक गई, तो इस घर की प्रतिष्ठा और हमारी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्यों ना हम छोटा लड़का बालिक है उसी के साथ हम इस लड़की का शादी करा दें। और स्वेच्छा पूर्वक ये शादी हो रही है, लड़का भी तैयार है, किसी तरह का कोई दाव दबाव नहीं है। फिलहाल लड़के के पिता, ग्रामीण, लड़की के परिजन सभी शादी से खुश हैं, साथ ही नरेश प्रसाद दास के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।